देश में पिछले 9 महीनों से ज्यादा से चल रहे किसान आंदोलन पर मोदी सरकार का रवैया घोर अलोकतांत्रिक है। भारतीय लोकतंत्र में जनता अपने वोट से देश का शासन चलाने और उसके हित साधने के लिए अपने पसंद के उम्मीदवारों को 5 साल के लिए चुनती है। ऐसे में सरकार चला रही जनता के नुमाइंदे जनता के सेवक मात्र होते हैं। किसी भी फैसले को लेते समय यथासंभव सभी की राय, सुझाव और आपत्तियों को देखते हुए ही लोकतांत्रिक सरकार को नियम और कानून बनाने होते हैं। फिर भी यदि किसी कानून के बनने के बाद उससे संबंधित जनता यदि उस पर आपत्ति करती है तो सरकार को उनसे बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए और अंत में न्यायालय की शरण तो आखिरी पड़ाव है ही। कृषि कानूनों के मामले में बिना राय व मशवरे के बिल संसद में पेश किए गए, बिना बहस किए या विपक्ष को सुने इन्हें कानून बना दिया गया। जब किसानों ने विरोध किया तो बातचीत का नाटक किया गया क्योंकि तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, यह सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। मतलब अब सिर्फ मोदी सरकार को किसानों को यह कहना है कि उनकी सहमति के बिना तीनों कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे। लेकिन इस बात को अपनी नाक का सवाल बनाकर बैठी मोदी सरकार किसानों पर डंडे बरसा सकती है, उनके सिर फोड़ सकती है, उन्हें अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर बैठा सकती है, लेकिन सिर्फ यह नहीं कह सकती कि जो कानून अभी लागू नहीं है वे उनकी सहमति के बगैर लागू किए भी नहीं जाएंगे। इससे बड़ी घोर अलोकतांत्रिक हरकत स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई है। जिस वोट की ताकत से मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, अब वही ताकत उन्हें गद्दी से नीचे भी उतारेगी।